राजस्थान में ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। बुधवार को राजस्थान में कोरोना के 131 मामले सामने आए, जिसमें 88 केसेस जयपुर में दर्ज किए गए हैं। तो वहीं राज्य में ओमिक्रॉन के 23 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अब तक राजस्थान में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मिलने वालों की संख्या 46 से बढ़कर 69 हो गई है। सीएमएचओ डॉक्टर नरोत्तम शर्मा का मानना है कि दिसंबर के अंदर राजस्थान में और खास तौर पर राजधानी जयपुर में कोरोना की स्थिति अचानक से बदल गई, जिसका मुख्य कारण पर्यटकों का बड़ी संख्या में राजस्थान पहुंचना, होटलों में बड़ी संख्या में भीड़ होना जयपुर के लिए चिंता है कि पिछले 3 से 4 दिनों में जो कोरोना के नए मरीज दर्ज हो रहे हैं उसमें कोरोना के लक्षण पाए जा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में इस वक्त 537 एक्टिव केसेस हो चुके हैं, जिसमें 345 जयपुर के केस हैं। कारण मेरा मानना है कि जैसे पर्यटक एक जगह दूसरी जगह पर पहुंच रहे हैं, आपके होटलों में भीड़ हो रही है, सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ हो रही है, और जो विदेश से लोग आ रहे हैं उनकी प्रॉपर उनकी जो क्वारंटाइन उनको जो ट्रैकिंग होती है, इन सब परेशानियों के कारण देखते हुए ये केसों में वृद्धि होना संभव है। आमजन से यही अपील है कि आमजन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पालना करें। यदि आज हम कुछ प्रतिबंधों को स्वीकार कर लेंगे तो हमारा कल भविष्य हमारा बहुत उज्जवल होगा। हम कंट्रोल कर पाएंगे इस बीमारी को। जब भी बाहर जाएं, भीड़ में जाएं, अपने मास्क का इस्तेमाल करें, को सोशल डिस्टेंसिंग पालना करें। इसके अतिरिक्त घर पर बार बार साबुन से हाथ धोएं या बाहर जाएं तो अपने सैनिटाइज से अपने हाथ साफ करें। जिसका स्वागत करें, क्योंकि बहुत अधिक सार्वजनिक स्थल पर जाके आप नए साल का स्वागत करना चाहेंगे, उसके दुष्परिणाम स्वरूप और खुद या किसी अन्य को कोविड पॉजिटिव कर दिया तो निश्चित रूप से नए साल के स्वागत की बजाय नुकसान देने वाला हो जाएगा। इसलिए मेरा सभी आमजन से अनुरोध है कि वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करें। जाना ज़रूरी हो तो मास्क लगा करके डिस्टेंस रखते हुए ही जाएँ, और जहाँ तक संभव हो सार्वजनिक स्थल पर भीड़भाड़ वाली जगहों पर ना जाएँ। जहाँ तक